जी अस्सलाम वालेकुम। तो हमारी जो शहर ट्रांसमिशन यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप सबको जो है सातवां रोजा स्टार्ट हो जाए सब आपको मुबारक हो, सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी हम चलते हैं अपने पहले नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, उसके बाद आपसे कंटिन्यू करते हैं और काफ़ी बातें भी करनी है। तो चले अभी चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। जी तो हमारे सेगमेंट शुरू हो चुके हैं जिसका नाम है नात की महफिल। तो आज जो हमारी नात होने वाली है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, और होप्स हो कि आप भी बहन को मिस कर रहे हो, क्योंकि मेरे साथ बहन नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो ज़रूर हमें ज्वाइन करेंगी कुछ दिनों में। तो चलें आज हम ही कर लेते हैं अपनी, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि ट्रांसमिशन जो है वो रही थी कि यानी होगी कि नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा मैं नहीं ज़रूर करूँगी, बहन की तबीयत ख़राब है तो कोई बात नहीं, हम ज़रा कर लेंगे मैनेज। तो आज मैं आपको जो सुनाने वाली वो है ज़ही मुकद्दर हुजूर हक से। बहुत अच्छी लगी हो, और अगर आपको अच्छी हो तो लाइक जो कम करना है। तो यही सेगमेंट यही ख़त्म होता है। तो अब जो हमने सैरी जो है वो कर ली है, और अब बस वेट हो रहा है कि कब अज़ान हो, और जैसे ही अज़ान होती है हमारा लास्ट सेगमेंट भी रह गया है, जैसे कि उसे कंटिन्यू करना है। मौसम अब
अजीब सा हो रहा है, कभी सर्दी डे बाय डे, कभी गर्मी हो रही है, कभी सर्दी सर्दी, कभी गर्मी, अजीब हो रहा है, बिल्कुल अजीब सा मौसम हो रहा है। जैसे शायद सीजनल फ्लू भी चल रहा है आजकल, बिल्कुल नजला भी हो रहा है, बुखार भी, एहतियात करो और आप लोग भी एहतियात करो। ओके ओके, तो अब जो है हम बस इंतजार करें कि जल्दी से अजान, उसके बाद आपसे लास्ट सेगमेंट में मिलते हैं। जी तो अस्सलाम वालेकुम, हमारा जो आज का सेगमेंट है उसका नाम है एक वाक्य, जो हमारी नशरियात है वो कंटिन्यू है। और आज भी आप देख रहे होंगे कि मेरी बहन नहीं है मेरे साथ, क्योंकि वो होती हैं तो बहुत मज़ा आता है महफिल में, बट कोई नहीं, उनकी तरह तबीयत ठीक नहीं है, दो तीन दिन लेंगे, उनकी इंशाल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो वो ज़रूर हमारे साथ ज्वाइन करेंगी हमें हमारी नशरियात में। तो आज के जो वाक्य है वो है हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ईमान लाना। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं, आपको सुनाती हूँ। नबुवत के छठे बरस का जिक्र है कि एक रोज़ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा पर बैठे हुए थे। अबू जहल वहाँ पहुँच गया, इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले गालियाँ दी नऊज़ु बिल्लाह, और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाने सुनकर चुप हो रहे तो इसने एक पत्थर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर मार दिया। माज़ल्ला सुबह माज़ल्ला, जिससे खून बहने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हमज़ा को खबर हुई, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे, गुर्बत के जोश में अबू जहल के पास पहुँचे और इसके सर पर इस ज़ोर से कमान मारी कि वो ज़ख्मी हो गया। हमज़ा फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि भतीजे तुम ये सुनकर खुश हो गए कि मैंने अबू जहल से तुम्हारा बदला ले लिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं ऐसी बातों से खुश नहीं हुआ करता, हाँ अगर आप मुसलमान हो जाएं तो मुझे बहुत खुशी होगी। और हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसी वक्त मुसलमान हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, बहुत ही प्यारा है। एक तो सहरी का वक्त होता है और ऐसा कोई टॉपिक आ जाए ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, और जिसे कहते हैं ना बहुत अलग सा फील होता है इन टॉपिक्स को पढ़ते हुए सुनाते हुए। आपको होप्स हो कि आपको अच्छी कोई नॉलेज मिलती होगी, इससे ज़रूर मिलेगी। और दैट्स इट, सो दैट्स इट, हमारी ये जो हमारी सेगमेंट था सहरी का एक वाक्य यहीं ख़त्म होता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो तो आपने लाइक शेयर कमेंट करना है। तो अब जो हमारी ट्रांसमिशन का वक्त ख़त्म होता है, एक वाक्य हमारा हो चुका, अब हम चाहते हैं अपनी ट्रांसमिशन को ख़त्म करते हैं। तो अपना रखें ख्याल, मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। तो अल्लाह हाफिज़, और आप सबको रमज़ान मुबारक और सहरी मुबारक, इफ्तार मुबारक। अल्लाह हाफिज़, अपना रखें ख्याल, अल्लाह हाफिज़।